गुड मॉर्निंग मैम गुड आफ्टरनून मैम और बताइए कैसे हैं आई एम फाइन मैम आज सुबह एक ही बच्चा आया क्लास में हाँ सुनो ये तो बड़ा मतलब एक बच्चे के लिए पूरे टाइम फिफ्टी मिनट्स जो है रहना क्लास में और वो भी दो टीचर हाँ, आप देखो वन बाई वन वन प्लस वन कमाल है भाई कमाल है तो पता नहीं भाई कैसे करेंगे बच्चे ये लोग सोच रहे हैं इनको सब आता है अब इनको क्लास की जरूरत नहीं है हुँ. इनकी थिंकिंग ये है और कुछ नहीं है इसीलिए आते नहीं अभी भी देखो बस एक ही बच्चा आया है कार्तिक और ये कार्तिक ही जो है बस पीटीएम भी कार्तिक ने अटेंड की थी सर पता है आपको क्लास ट्वेल्थ की केवल ओनली सिंगल स्टूडेंट ओहो मैंने बोला भी था मैंने कार्तिक बेटा तुम क्लास लेते रहना अपना है ना कार्तिक hmm. वीडियो बेटा कार्तिक सो गया क्या जग रहा है कौन था अभय अभय चौधरी अभय चौधरी अच्छा नहीं। बस नहीं। ऐसा ही लग रहा है आज आप आज आप कार्तिक को ही पढ़ाओगे <laughs> अभय चौधरी भी रेगुलर है स्टूडेंट वैभव रेगुलर है वैभव है हाँ, कार्तिक रेगुलर है सो so... कार्तिक तो रेगुलर है कार्तिक स्कूल में भी रेगुलर रहता है गुड 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 ठीक है तो शुरू करते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी टू मिनट्स पास्ट सो शुरू तो कर ही लेते हैं अब पता नहीं बाकी स्टूडेंट्स वीडियो देख के नहीं देखेंगे बट आई एनी वे पोस्ट वीडियो सौरभ आ गया सौरभ ठीक है तो आज हमने जो है ये चैप्टर वाइज डिवीज़न शुरू कर दिया आज सुबह से ठीक है रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने शुरू किया है तो हमने बात की कि रिलेशन क्या होता है ठीक है जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं फिर उसके बाद हमने बात की कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसका फिजिकल मीनिंग क्या है और उसका उसके चेक्स क्या है ठीक है फिजिकल मीनिंग वही है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या शो करता है समानता शो करता है किसी चीज में ठीक है ना जैसे इक्वालिटी है उसी तरह से इक्विवेलेंस है फर्क क्या होता है जब हम बोलते हैं कि दो चीजें इक्वल हैं तब हम ये बोलते हैं कि वो चीजें हर तरह से सेम है ठीक है ना लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि दो चीजें एक सेकेंड आई एम गेटिंग सम कॉल आई जस्ट टेक वन सेकेंड हेलो हाँ, सर वीडियो ऑन हाँ, कर यस मैम आई एम इन अ क्लास ओके श्योर मैम थैंक यू या मुनीता मैम का कॉल था सो जब हम बोलते हैं कि दो चीजें इक्विवेलेंट हैं तब हम क्या बोल रहे हैं कि वो दोनों चीजें किसी एक पैरामीटर पे सेम हैं ठीक है ना वो पैरामीटर क्या है जो रिलेशन है ठीक है ना तो उसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जो इस तरह की इक्वालिटी को शो करता है ठीक है जैसे आपने सेट्स पढ़े थे तो उसमें आपने दो टर्म्स पढ़ी थी इक्वल सेट्स और इक्विबेंस सेट्स ठीक है तो ये इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क था कार्तिक याद है आपको इक्वल सेट में तो दो एक से होते थे इक्विवेलेंस में जो उनकी तरह लगते थे सिमिलर हाँ सिमिलर किस बेसिस पे सिमिलर होते थे सर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे हाँ केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे मतलब ये दो सेट्स तो इक्वल है हम इक्वालिटी साइन यूज कर सकते हैं जैसे ये एग्जैक्टली exactly सेम है कोई फर्क नहीं है दोनों में लिखने के ऑर्डर इज इन मटीरियल बाकी एकदम इक्वल हैं लेकिन अब मान लीजिए ये दो सेट्स हैं ये भी इक्विवेलेंट है ठीक है इनमें कोई भी समानता नहीं है ये वन टू थ्री है एक्स बैट हैट लेकिन क्या सेम है इसमें भी तीन एलिमेंट्स है इसमें भी तीन एलिमेंट्स है तो इक्विवेलेंट क्यों है ये इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन द साइज ठीक है तो जब कोई चीज किसी एक रेस्पेक्ट में इक्वल होती है हर एक में नहीं होती तब हम इक्वलेंस बोलते हैं जब हर रेस्पेक्ट में इक्वल होते हैं तो इक्वल बोलते हैं ठीक है तो ये इक्विवेलेंट जब हमने जैसे ये वर्ड यूज किया था ये हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग रिलेशन जब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ठीक है तो जैसे कि ट्राइंगल्स का केस हम लेते हैं कि ट्राइंगल्स अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो तो वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर ठीक है क्यों है ये इक्विवेलेंट क्योंकि इनकी शेप सेम है ठीक है सिमिलर का मतलब क्या होता है कि शेप सेम है लेकिन साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है yes. अगर साइज भी सेम हो शेप भी सेम हो तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ठीक है yes. तो ये सिमिलर हो गए तो इसका मतलब अब हम ये देखते हैं कि जब हम इनको सिमिलर बोलते हैं क्या ये वाकई में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस चीज को देखते हैं ठीक है तो अब हम चेक करेंगे कि एक सेट ऑफ हमारे पास ट्राइंगल्स दिया गया है उसके ऊपर हमने एक रिलेशनशिप डिफाइन की इस सिमिलर टू ठीक है अब हम ये देखते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तीन चेक है पहला चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या एक ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर होता है एक ट्राइंगल की शेप सेम ही होगी अपने जैसी होगी ठीक है ना इट गोज विदाउट ये रिफ्लेक्सिव होता है अब हम ये देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशनशिप है यानी कि अगर ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर से सिमिलर है तो क्या पी क्यू आर एबीसी से सिमिलर है इट्स अ टू वे रिलेशनशिप राइट अगर इफ आई एम सेइंग ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर तो इसका मतलब पी क्यू आर इज ऑल्सो सिमिलर टू एबीसी इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है अब हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं ट्राइंगल इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर इज सिमिलर टू एक्सवाई जेड देन विल एबीसी बी सिमिलर टू एक्स वाई जेड होंगे राइट right? क्योंकि इसके एंगल और इसके एंगल सेम है इसके एंगल और इसके एंगल सेम है तो एबीसी और XYZ के एंगल भी सेम होंगे राइट right? तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी है अब हम क्या बोल सकते हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है इज सिमिलर टू इज एन इक्वी वैलेंस रिलेशन ठीक है और हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स इस रिलेशन पे खड़े उतरते हैं ठीक है यानी कि ट्राइंगल A, B, C, okay, रिलेशन ट्राइंगल पी क्यू आर एग्जिस्ट करता है तो ट्राइंगल एबीसी जो है यह किसी ना किसी तरीके से ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है इक्विवेलेंट है ओके यहां पे सिमिलैरिटी में इक्विवेलेंस किस चीज की है शेप की है ठीक है कॉन्ग्रुएंसी होती तो शेप और साइज दोनों की सिमिलैरिटी होती है. दोनों की इक्विवेलेंस होती ठीक है अंडरस्टूड ओके okay. अब हम कुछ वी विल लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट इफ दे आर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट

तो इक्विवेलेंस के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए yes, sir. तो अगर इसका मतलब यह है कि ए माइनस ए इज दिस डिविजिबल बाय फाइव ए माइनस ए हमेशा ही जीरो होगा एंड जीरो इज डिविजिबल बाय फाइव ठीक है तो ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव पे टिका गया अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए ठीक है निखिल बेटा अपना कैमरा ऑन करिए निखिल चार बच्चे क्लास में वो भी ऑफ कर लेते हैं निखिल कैमरा ऑन रखिए सर okay. सौरभ नागर की तो ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है उसे हाँ, क्या सुनाई दे रहा होगा क्लास में हाँ, पता वो नहीं वो भी कनेक्टेड ही नहीं है तो उसको काउंट नहीं कर सकते hmm. तो ठीक है अब एक हम सिमेट्री कैसे चेक करेंगे कि अगर ए ट्राइंगल ए इज सॉरी नॉट ट्राइंगल वी आर टॉकिंग ऑफ दिस इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय फाइव ठीक है ना मॉड्यूलस ले रहे हैं तो बी माइनस ए भी तो होगा डिविजिबल क्योंकि ये दोनों तो एनी वे इक्वल है ए माइनस बी और बी माइनस ए तो एक ही चीज होती है, right? है राइट क्योंकि हम तो मॉड्यूलस ले रहे हैं उसका तो ये इज आल्सो डिविजिबल

वैसे डिविजिबल वो तभी भी रहेगा लेकिन हम ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं ये हम कब पढ़ते हैं जब तक हमने नेगेटिव नंबर नहीं पढ़े तभी पढ़ लेते हैं इसलिए ये डिफाइंड जो था ये इनिशियली केवल पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइंड था वो बात दूसरी है कि नाउ वी कैन एक्सटेंड आर डेफिनेशन एंड आल्सो डिविजिबल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन कन्वेंशनली हम ये मॉड्यूलर साइन लेके चलते हैं ठीक है अब हम आते हैं फाइनल चेक पर दो चेक तो पास हो गए कि क्या ये ट्रांजिटिव है ठीक है ना तो ट्रांजिटिव होने का मतलब ये है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल माइनस ठीक है बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल तो, तो, तो c माइनस ए सी डेफिनेटली डिविजिबल सी माइनस ए होगा क्या डिविजिबल होगा लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि ये होगा? मतलब सर तो क्या देखिए a माइनस बी डिजिबल है b माइनस सी डिविजिबल है c माइनस ए डिविजिबल होगा ये कैसे पता चला हमें तो तो जैसे a- माइनस बी है और b- माइनस सी तो c- माइनस ए होगा ये हमें पर, हमें तो मैथमेटिक्स में हर एक चीज प्रूव करनी पड़ती है ठीक है तो ये सोचिए क्या है c मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं c- माइनस बी ओके प्लस b- माइनस okay? ए ई कैन राइट इट लाइक दिस को एक बार घटाया एक बार जोड़ो अब आप देख लीजिए कि सी माइनस बी इज डिविजिबल प्लस बी माइनस ए इज डिविजिबल तो ये भी डिवाइड हो रहा है ये भी डिवाइड हो रहा है तो पूरा तो डिवाइड हो ही रहा है ठीक है इज डिविजिबल तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी ट्रू हो गया तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ठीक है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन लेट्स लुक एट अनदर वन ए बी ए बी आर बॉयज इन अ हॉस्टल ए इज अ इज ब्रदर ऑफ बी ठीक है तो सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए

बाकी भी चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए देखते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी बी अ ब्रदर ऑफ ए फॉर श्योर हाँ क्यों है ये जरूर क्योंकि ये दोनों अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा बशर्ते कि दोनों लड़के हैं राइट right? और हमने ये कहा है कि ये बॉयज हैं एक हॉस्टल के तो ये ट्रू है अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों होते वहां तब ये जरूरी नहीं था क्योंकि ए इज ब्रदर ऑफ बी बट बी इज सिस्टर ऑफ ए हो सकता था ठीक है तो इस केट्स में सिमेट्रिक इज ट्रू अब हम फाइनली ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं ए इज ठीक है ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी सी ये नोटेशन समझ आई आपको जो मैंने yes. लिखी है राइट right? क्योंकि एस इज द नेम ऑफ द रिलेशन इज ब्रदर ऑफ ओके तो वो मैंने ऐसे भी इसको लिख सकता हूं तो ये नोटेशन आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकती है नोटेशन ठीक है ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी देन ए ब्रदर ऑफ सी बताइए क्या सर क्या ए सी का ब्रदर होगा अब अगर ए बी का है बी सी का है तो सर सर होगा फिर तो होगा ही राइट डेफिनेटली होगा तो ये ट्रांजिटिव भी है तो इसमें केवल ये ये नहीं नहीं। है, इसलिए ठीक है नाउ लेट्स एट दिस रियल नंबर्स हैं दोनों और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज द कंडीशन

That b is equal to a square. Definitely not, right? Not true when. ठीक है केवल और केवल जीरो और वन के केस में ये ट्रू है वरना ट्रू नहीं हो सकता राइट ना सो ये भी नहीं है. अब देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर वॉट डज इट मीन इट मींस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर राइट not c raised to the power Okay, so ये transitive भी नहीं. Okay, so this is not an equivalence relation. Understood? Now let's do it in the raster form. बताइए मुझे अपने आप करके देखिए और मुझे ये बताइए क्या ये equivalence relation है चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए सिमेट्री के लिए एंड ट्रांसिटिविटी के लिए सर सर रिफ्लेक्सिव तो है पक्का है यस yes, सर हाँ देखते हैं ठीक है इसमें वन है तो वन वन है टू है टू तो टू टू तो है थ्री है. है तो थ्री थ्री है लेकिन यहाँ फोर है अरे हाँ सर ये फोर ठीक है है ना तो फोर फोर नहीं है फोर फोर नॉट इन इसका मतलब नहीं है नॉट तो इन मतलब आर नॉट इन सॉरी यू नॉट इन यू ओके सो रिफ्लेक्सिव नहीं है अब सिमेट्री बताइए है या नहीं है सर वन टू है तो टू वन भी है सर ठीक है तो वन टू है तो टू वन है टू थ्री है तो थ्री टू है तो थ्री टू भी है सर ठीक है अगर वन थ्री है है तो थ्री वन भी है सर थ्री वन भी है लेकिन थ्री फोर है yes, ठीक है इसका जोड़ीदार नहीं है यहां पे ठीक है इसका पेयर नहीं है तो ये सिमेट्रिकल भी नहीं है अब ट्रांसिटिविटी देखते हैं वन टू है हाँ नहीं वो तो ठीक वो है, है। वो तो क्योंकि टू वन होगा तो वन वन ऑलरेडी है राइट सर वन टू वन वन टू है तो थ्री टू भी आएगा सर हाँ तो वन टू है टू थ्री है तो टू थ्री होना चाहिए वन थ्री yes, होना सारे. चाहिए राइट सो वन टू इज देयर एक पेयर ये है और दूसरा है। क्या है टू वन है टू थ्री है एंड थ्री एंड वन थ्री ऑल्सो है और कोई ऐसा पेयर बनता है जैसे वन थ्री है थ्री टू है हमें सब पेयर देखने ना छोड़ नहीं सकते यहाँ पे ठीक है तो वन थ्री है और थ्री टू है तो वन टू भी, तो वन टू और होना चाहिए है है।, वन टू है अब और कोई देखते हैं ऐसा पेयर थ्री कॉमर टू है टू कॉमर वन है वो हो गया हमारा थ्री कॉमर टू वाला हो गया ना हाँ ये हो गया। तो अब थ्री कॉमा फोर है उसका कोई वो नहीं है आगे तो बस इतना ही है राइट ट्रांजिटिव चेक करना सबसे मुश्किल है ठीक है अगर लंबा सेट होगा तो बहुत मुश्किल आएगी yes, चेक करने में लेकिन ये है तो ये ट्रांसिटिव है नाउ लेट्स डू अनदर वन एंड सी की सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव हर एक चेक करके बताइए सर इसमें वन वन है टू टू है थ्री थ्री है फोर फोर भी है सर फाइव फाइव भी है सिक्स सिक्स भी दीज़े है।, दीज़े है तो ये रिफ्लेक्सिव है सर। ना कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता राइट तो रिफ्लेक्सिव है सर तो तो टू वन भी है और वन थ्री है तो थ्री वन भी है सीक्वेंस हाँ, में करते चलते हैं टू थ्री है तो ये भी है थ्री टू भी है वन थ्री है तो थ्री वन भी है सर और नहीं है सर और ओके okay. ठीक है अब ये हो गए ये तो रिफ्लेक्सिव है सब अब इसको देखते हैं फाइव सिक्स है तो सिक्स फाइव भी है फाइव भी है ठीक है पर फोर फोर के नहीं है हो गया ठीक है ना तो सिमेट्री भी हो yes. गए अब ट्रांसिटिव देख सर पर इसमें हमने फोर सर हमने इसमें फोर फोर के तो देखे ही नहीं वो है ही नहीं ना कोई देखिए अगर फोर फाइव होता तो फाइव फोर होना चाहिए लेकिन फोर फाइव है ही नहीं ठीक ठीक है फॉर फोर का जो केस है ना कि सबके लिए केवल रिफ्लेक्सिव में जरूरी है सिमेट्री में अगर पेयर है तो उसका जोड़ीदार होना चाहिए पेयर ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मैं अभी उसका भी एक एग्जांपल करवाता हूं तो वो क्लैरिटी आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं ठीक है अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं वन टू है अब टू से देखते हैं कोई है क्या कि ये है एक ट्रांजिटिव हमारे पास तो टू थ्री होना चाहिए वन टू टू थ्री तो वन थ्री होना चाहिए वो है ठीक है अब टू वन है वन थ्री है ये भी एक ट्रांजिटिव पेयर है तो टू थ्री होना चाहिए तो टू थ्री है राइट right? अब टू थ्री के आगे थ्री वन है हमारे पास टू थ्री थ्री वन सो टू वन होना चाहिए वो है राइट right? अब वन थ्री थ्री वन तो जरूरत नहीं है वो क्योंकि वन वन आ जाएगा वन थ्री थ्री टू है वन थ्री थ्री टू है तो वन टू होना चाहिए है राइट थ्री वन और ये तो सब पहले हो गए कर चुके हैं हम तो वापस जाने की जरूरत नहीं तो ये हो गया थ्री वन के साथ कोई है क्या हाँ ये बनता है ना थ्री वन वन टू राइट थ्री वन वन टू है एक पेयर सो so, थ्री टू होना चाहिए वो है अब थ्री टू के साथ क्या है टू वन जोड़ सकते हैं हम टू वन तो टू थ्री वन होना चाहिए वो है ठीक है तो बहुत सारे चेक्स हैं ये वाले तो हो गए अब हमारे अब आगे चलते फोर फोर का कोई नहीं है फाइव फाइव कुछ नहीं है फाइव सिक्स है सिक्स फाइव है वो तो फाइव फाइव होगा ठीक है तो ये क्या है ट्रांसिटिव ओके okay. ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है तो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है अंडरस्टूड अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं बताइए ये इज एक्स इक्विवेलेंस एक्स इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या बताइए निखिल अपना वीडियो रख ये है सर अगर ये तीनों सर ये अगर तीनों है तो है इक्विवेलेंस है ना क्योंकि ये जो है इससे ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव तो है ही ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि कोई पेयर बनी नहीं रहे सिमेट्रिक के तो ये सिमेट्रिक है और उसी तरीके से ये ट्रांसिटिव भी है क्योंकि अगर नल सेट भी आता है तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव में सब कवर्ड होना चाहिए ठीक है तो ये जो है इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है partitioning a set into equivalence classes ठीक है तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं कैन यू ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट निखिल कीप योर वीडियो ऑन एंड बी इंटरेक्टिव बेटा क्लास में तभी सीखोगे रिवीजन क्लासेस हैं ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न और मुझे भी पता चलेगा आपको क्या नहीं आता तो आई कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली वीडियो ऑन रखिए और थोड़ा एंगेज करके पढ़िए नागर ठीक है वो चले गया ठीक है हाँ कार्तिक बताओ इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट याद है ये वाला याद नहीं है सर तो मुझे ठीक है तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं कि देखिए अब आप सबसे पहली बात ये कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होना चाहिए ठीक है अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लासेस भी नहीं होंगी ठीक है अब अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास उन चीजों का सेट है जो इक्विवेलेंट हैं ठीक है ना तो जैसे हमने अभी किसकी बात की थी सिमिलर ट्राइंगल्स की बात की थी ठीक है अब मान के चलिए मेरे पास दस ट्राइंगल्स का एक सेट है ठीक है या सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोलता हूं नौ ट्राइंगल्स का सेट है ठीक है ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू ट्राइंगल थ्री ओके ट्राइंगल फोर ट्राइंगल फाइव ट्राइंगल सिक्स ट्राइंगल सेवन ट्राइंगल एट ट्राइंगल नाइन ठीक है ये मेरे पास सेट है ए सिमिलर टू टू वन इज सिमिलर टू टू एंड टू इज सिमिलर टू थ्री ठीक है बट वन इज नॉट सिमिलर टू एनी ऑफ दीज राइट बट फोर इज सिमिलर टू फाइव एंड फाइव इज सिमिलर टू सिक्स तो ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया जिसमें सेवन इज सिमिलर टू एट एट इज सिमिलर टू नाइन बट वन इज नॉट सिमिलर टू फोर इफ वन इज नॉट सिमिलर टू फोर इट इज ऑल्सो नॉट सिमिलर टू फाइव एंड सिक्स वन इज नॉट सिमिलर टू सेवन इसका मतलब इट इज ऑल्सो नॉट सिमिलर टू एट एंड नाइन राइट तो ये सब क्या है जो एक साथ हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इसका मतलब ये सब जो हैं इन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ये इक्विवेलेंस क्लास वन एक बन गई ये दूसरी बन गई ये तीसरी बन गई तो इसमें तीन इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई हमारी और इक्विवेलेंस क्लास को ही पार्टीशन भी कहा जाता है ठीक है मतलब ये पार्टीशन वन पार्टीशन टू पार्टीशन थ्री ठीक है समझ गए मतलब जो सारे के सारे एलिमेंट्स इक्विवेलेंट हैं उन सबको एक सेट में रख दो उस सेट को इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं ठीक है ओके उसी तरीके okay. से अब उन सब का जो ये है ये क्या हो गए पार्टीशन भी कह सकते हैं हम इनको क्योंकि इससे हमारा पूरा सेट पार्टीशन हो जाता है टुकड़ों में बढ़ जाता है एक टुकड़ा ये बन गया एक टुकड़ा ये बन गया एक टुकड़ा ये बन गया अब इस सेट को लिखने का एक तरीका होता है क्या होता है कि इस इक्ुबलेंस क्लास को लिखने का क्या तरीका है कि इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो कोई भी एक जैसे वन ले लिया और वन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये किस चीज का सेट हो गया ये, ये वाली इक्विवेलेंस क्लास हो गई है ठीक है आप ये भी लिख सकते थे आप ये भी कोई भी लेकिन एक ही लिखना है दो नहीं लिखने एक ही लिखना है कोई भी एक तो किसी भी एक से पूरी इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट किया जा सकता है नोटेशन में ध्यान क्या रखना है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है अगर आपने या ब्रेसेस यूज कर दिया यहां तो गलत हो जाएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है टू नेम द इक्विवेलेंस क्लासेस जैसे सेट को नेम करने में क्या यूज करना जरूरी होता है ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट्स उसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास को नेम करने के लिए इस तरीके से जब नेम करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी होता है ये है ये वो गलत किया तो आंसर गलत ठीक तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही टिपिकल एग्जांपल होता है बुक्स में भी होता है उसको समझते हैं कि हमारे पास एक होल्स नंबर्स का सेट है नॉन नेगेटिव होल नंबर डब्ल्यू है सेट ठीक है वी want टू चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय four. अभी जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय five चेक की थी है ना उस तरह, उसकी तरह अब इस बार फोर करके देख लेते हैं वो कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है तो ये जो है जो पूरा सेट W है एक्चुअली ये हम चार तरह के नंबर्स में विभाजित कर सकते हैं चार तरह के नंबर्स में बांट सकते हैं ठीक है वो किस तरह के नंबर है से? पहला सेट वो होगा वो नंबर जो डिविजिबल बाय एक सेट वो हो जाएगा कि जो से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वन छोड़ते हैं एक सेट हो जाएगा जो रिमाइंडर टू छोड़ते हैं और फाइनली वो सेट जो रिमाइंडर थ्री छोड़ते हैं और कोई पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती राइट right? इस तरीके से हम पूरे सेट को पार्टीशन कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस करके देखते हैं देन वी विल नो इट वेरी क्लियरली सो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं अपने सेट की आर की डेफिनेशन लिख रहे हैं ठीक है तो आर इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू डब्ल्यू ठीक है ना ऑब्वियसली बोथ हैव टू बिलोंग टू द सेम सेट इक्विवेलेंस की बात हो रही है एंड ए माइनस बी मॉड्यूलस इज डिविजिबल बाय फोर ठीक है तो अब हमारा जो रिलेशन है उसको राष्ट्र फॉर्म में भी लिख के देखते हैं समझने के लिए वो कैसा दिखाई देगा देखिए कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे इसमें जीरो कॉम ऑफ फोर आएगा है ना फोर माइनस जीरो इज डिविजिबल बाय फोर है ना जीरो कॉमा जीरो भी आएगा जीरो कॉमा एट आएगा फोर कॉमा एट आएगा फोर कॉमा जीरो आएगा और ऐसे ही आते जाएंगे फिर ये वाला देखिए क्या वन कामा फाइव आएगा इसमें प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस अभय एंड कार्तिक अभय बेटा अपना वीडियो ऑन करिए वन फाइव आएगा देखिए वन माइनस फाइव इज माइनस फोर मॉड्यूलसली 4, फोर फोर इज बाय 4, यस तो वन कॉमो फाइव भी आएगा फाइव कॉमा वन आएगा वन कॉमा वन आएगा एंड सोन so इस तरह से आते जाएंगे उसी तरीके से टू कॉमा सिक्स भी आएगा क्योंकि टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर विच इज थ्री आप कि आपस में रिलेटेड हैं इसमें एक बार जब हम इसको गौर से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जीरो फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन एंड सो ऑन दे आर ऑल रिलेटेड ठीक है ना मतलब जिनके बीच का डिफरेंस जो है डिविजिबल बाय फोर है वो रिलेटेड है आपस में उसी तरीके से वन फाइव नाइन थर्टीन ये सब भी रिलेटेड होंगे इनकी ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज एग्जिस्ट करेंगी वन कॉमा वन फाइव कॉमा फाइव वन कॉमा फाइव वन कॉमा नाइन नाइन कॉमा वन ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज विल एग्जिस्ट ठीक है ना मतलब पूरा आपका पूरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा यहां पे और इसी तरह से टू कॉमा सिक्स भी सब होंगे रिलेटेड आपस में एंड so लेकिन देखिए इसमें से कोई दो नंबर लीजिए एक यहां से एक यहां से यानी चार यहां से लिया मान लीजिए पांच यहां से ले लिया तो क्या चार और पांच रिलेटेड हो